केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चंद्रपुर जिला प्रशासन और मनपा प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी तथा नगर सेवक नंदू नागरकर ने स्वयं अन्न त्याग आंदोलन किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस महामारी को रोकने के लिए और जन जागृति करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चंद्रपुर जिला प्रशासन व मनपा प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा नगर सेवक नंदू नागरकर स्वयं अन्न त्याग आंदोलन पर बैठे हैं। 500 ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलना चाहिए और सभी पेशेंट को स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए, लेकिन इस ओर लापरवाही नजर आ रही है। ऐसा कहते नंदू नागरकर ने इस समय अपनी प्रतिक्रिया दी। इस महाराष्ट्र में पिछले डेढ़ महीने से कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा है। बम्बई से होते होते अभी चंद्रपुर में आया हुआ है और इस तरह से भयंकर प्रादुर्भाव हुआ है। आज 1585 पेशेंट निकले, कल 23 लोगों की मृत्यु हुई। ऐसा महाभयंकर प्रलय कोरोना का चंद्रपुर शहर, चंद्रपुर जिले में हुआ है, लेकिन मुझे आज इस महामारी रोकने के लिए और जन जागृति करने के लिए इस मेरे ही खुद के 144 धारा लगने की वजह से मैं अन्न त्याग आंदोलन के लिए यहाँ बैठा हूँ। 500 ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलना चाहिए और सभी पेशेंट को आरोग्य की सेवा मिलना चाहिए, लेकिन मुझे ये वक्त ऐसा कुछ प्रशासन, जिला प्रशासन, महानगर पालिका में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस चंद्रपुर जिले में 6 आमदार हैं विधानसभा के और 3 विधान परिषद के खासदार हैं, एक मंत्री है, माजी मंत्री भी है सुधीर बाबू मुनगंटीवार, माजी केंद्रीय राज्य मंत्री भी है। उनों को मुझे कहना है कि आप सब मिलके, क्योंकि ये चंद्रपुर शहर है, औद्योगिक शहर जिला है, औद्योगिक जिला बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, अगर सभी फैक्ट्री के मालिकों को, लोगों को अगर विनती कर देते, आज अपना एक कोविड सेंटर बड़ा वाला खड़ा हो सकता था। आज जो हो रहा है मारामारी और जो मर रहे हैं लोग, ये नहीं होता था। इसके लिए हम खुद ही दोषी हैं। आपस में अभी भी राजकारण कर रहे हैं, कुछ लोग महानगर पालिका राजकारण कर रहे हैं, कल की महानगर पालिका चुन के आना है वो राजकारण कर रहे हैं, तो कुछ किसी कोई का किसी का ईगो है। मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि आप कृपाएं ये निविदा निकालना, 18-18 कोटी के, 20-20 कोटी के छोड़ो, जिंदा रहेंगे तो रोड पे चलेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो रोड पे कैसे चलेंगे। जिंदे रहने के लिए पहले अपने को लोगों को जान बचाना पड़ेगा। इसके लिए अपने को उनकी जो जो व्यवस्था करना है, बेड उपलब्ध चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, दवाई चाहिए, जो जो चीज़ चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्सेज चाहिए, इसकी व्यवस्था करना चाहिए। ये व्यवस्था काफ़ी दिन दिख नहीं पा रही है। अभी डेढ़ महीना पहले हमारे महानगर पालिका आयुक्त राजेश मोहिते जी, उनको कोरोना हो गए थे, पालक मंत्री जी भी हो गए थे। पिछले 20 अक्टूबर को कोविड ऑक्सीजन प्लांट की प्रोविजन हुई थी मेडिकल कॉलेज में और रुग्णालय में, अभी तक पूरा नहीं हुआ वो, ये किसकी जवाबदारी है? तुम रोड के टेंडर निकाल दे, महापौर हो, 1-1 कोटी के अपने वार्ड में प्रवेश द्वार बना दे, उनके लिए पैसा है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए पैसे नहीं, दवाई के लिए पैसे नहीं है, खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, ये कहाँ की बात है? राजकारण बाजू में रखो, राजकारण बाद में अपन बहुत करेंगे, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए पहले आप ध्यान देना चाहिए। मुझे सभी कोई सब पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, RPI, सभी पार्टी, शिवसेना, BJP, सब पार्टी को नेताओं को विनती है, मुझे आज बैठने की नौबत जो आई है, और मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, तुम्हारा घर का हुआ तो मुझे फ़ोन कीजिए, जिसको हमने टिकट दी है पिछले टाइम में, उस डॉक्टर को फ़ोन किया था, बोलते फ़ोन उठाता नहीं, कोई डॉक्टर फ़ोन उठा नहीं दे। लोग के परिवार के लोग जिसका घर में कोरोना पॉजिटिव हो रहा है वो घूम रहा है, सहरा बहरा होकर घूम रहा है कि क्या करे। रोज़ 10-20 फ़ोन आते हैं, मैं रोज़ 10-20 फ़ोन का लेता हूँ और सभी मंत्री महोदय को इधर उधर भेज के जैसी जैसी सेवाएँ करना चाहता हूँ, लेकिन व्यवस्था नहीं है, अपूरी व्यवस्था है, तुरंत होना चाहिए। इसके लिए 500 ऑक्सीजन लोगों की आरोग्य सेवा होना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। जब तक मेरे में सहन शक्ति है तब तक मैं बैठने वाला हूँ।